अभी जस्ट चेकआउट किया है, सब अपना लगेज वगैरह पैक किए, हम निकलने की तैयारी है। यहाँ से जा रहे हम लोग यरकाड, यरकाड से बैंगलोर। तो नरेन अभी चेकआउट कर रहा है, जो भी पेमेंट कर रहा है, मोहन रेडी हो रहा है, मोबाइल देख रहा है अपना, इसमें तो माउंट कर लिया अपने लगेज को और सबको, और ये कर लिया। नरेन एक पानी का बॉटल लेकर आया, अब निकलेंगे। पानी का बॉटल ले लिए हाइड्रेट रहने के लिए, कहीं मिला नहीं तो इमरजेंसी के लिए। चलिए अब मिलते हैं आपको रोड पर। हमारे इस अनोनमस राइड पर कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हम लोग, क्या रूट से जाएंगे, कैसे जाएंगे, बस निकलने का सोचे हैं, निकल रहे हैं। कल रात तक तो हमने सोचा था कि हम लोग सिर्फ पौंडीचेरी से डायरेक्ट बैंगलोर निकल जाएंगे, मगर रात को डिनर करते समय डिसाइड किए कि एयरकार्ड होकर चलते हैं, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन है और सीनिक व्यूज भी अच्छे आएंगे और नज़दीक भी है थोड़ा इधर से। इस चक्कर के अंदर अभी हम लोग ये वाला रूट लिए हैं, और सच बोलूँ तो ये वाला रोड बहुत अच्छा है, और इसमें एक एडवांटेज हमारे लिए ये है, धूप है नो डाउट, मगर हवाएं बहुत सारी चल रही है। पहाड़ों के इतने नज़दीक जाते जाते कितना अच्छा लगता है। यहाँ से आगे कहीं लेफ़्ट लेना है या रोड ही ऐसा लेकर जा रहा है? नहीं, रोड स्ट्रेट जा रहा है, मेरे को लेफ़्ट लेना पड़ेगा वो कैफ़े के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। ये जो इल्यूजन है ऑसम लगता है, और मेरे दोस्त लोग आगे जा चुके हैं, मैं लेट हूँ क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो शूट करने में बिजी था, शूट करते हुए आप लोगों से बात करते हुए आ रहा था। ज़्यादा दूर नहीं, इधर ही है, नज़दीक में ही। हालांकि आप लोग देख सकते हो कैसे एयरपिन बेंड्स है, 20 मोर किलोमीटर्स। दोस्त लोग पीछे आ रहे हैं, वो देख सकते हो आप लोग, खूबसूरत पहाड़ इतने नज़दीक से। वो अमेजिंग सा व्यू राइट साइड, उसको बोलते हैं व्यू। राइट साइड में अमेजिंग सा व्यू है, वहाँ पर कोई होटल बना हुआ है, सिमेट्रिकली सब एक जैसे दिख रहा है। मैं राइट लेता हूँ, वहाँ से दिखेगा शायद, बहुत अच्छा दिख रहा है। और उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रही है, बहुत अमेजिंग सा व्यू मिल रहा है उसके ऊपर, शायद कोई गेस्ट हाउस है। सो आखिरकार हम लोग पहुँच गए स्वीट रसकला रिजॉर्ट, यहाँ पर ही है। सो दिस इज स्वीट रसकला, जो कैफे की बात कर रहा था। वी हैव रीच्ड हियर, यहाँ बहुत थोड़े बहुत पेट्स रखे हुए हैं, शायद चिल करने के लिए बहुत सुपर जगह है। बॉन्सॉय प्लांट्स भी है, या फैमिली गैदरिंग या पार्टी के लिए ये जगह बनाई है। सुपर, बहुत अच्छे से लिखा है इधर, गुड गर्ल्स लव बैड बॉयज। चलिए कुछ खाते हैं हम लोग, उसके बाद आपको मिलते हैं। ये एकदम डांस कर रहा है, बहुत क्यूट है, कीप ऑन डांसिंग। ये बच्चे बहुत मजे कर रहे हैं इनके साथ। यहाँ पर बोलते हैं एक डॉग लाइब्रेरी भी है, उधर डॉग्स के लिए केजेस बनाए हुए हैं। डॉग्स हैं नहीं अभी फिलहाल, सुन सकता मैं डॉग्स का साउंड इधर थोड़ा सा, जा रहा हूँ आगे। ओह लवली, ये रे डॉग्स। यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी डाउन है क्योंकि टायर्ड हो गया हूँ। क्यूट डॉग्स, हेलो हाय। वहाँ पर भी देख सकते हो अब आगे डॉग्स है उधर, सब मेरे को देखकर भौंकने लग गए। ओए जंपिंग सो हाई। यहाँ से व्यू ही अलग है, अब मेरे को पहचान गए ये लोग कि मैं मिलने के लिए आया। यहाँ एक्चुअली नरेन पहले आ चुका है, इसलिए उसने बताया कि यहाँ पर डॉग लाइब्रेरी भी है, इसलिए मैं पीछे आया डॉग्स को देखने के लिए। वहाँ पर सब कोई बैठे हैं, चलो उनको ज्वाइन करते हैं, कुछ लाइट से खाते हैं, क्योंकि यहाँ मेन कोर्स तो बंद हो गया अभी। ये अभी तक लाइब्रेरी अंडर कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन बोल सकते हो, मगर बहुत अच्छा व्यू है। खेलने लग गए मेरे को देख कर, अच्छा लगा बहुत सारे ब्रीड देख कर एक साथ।
इनके ओनर अगर मिल जाते इधर तो और अच्छा लगता था, क्योंकि डॉग्स के बारे में वो बता देते थोड़ा कुछ, मगर मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, तो बस आपको डॉग्स बता रहा हूँ। अगर किसी को कोई डॉग्स का नाम मालूम है तो प्लीज़ मेरे को बताना। वाओ, हाय, ही सेइंग मी टू लव हिम। हाय, इसको अच्छा लग रहा है। ओह लवली, लव यू, सो क्यूट। चलिए अभी आगे चलते, आखिरकार हम लोग कुछ खा लेते हैं। हमारा स्नैक्स रेडी हो रहा है, यहाँ है किचन, ये मैडम रेडी कर रही है हमारे लिए, तो आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो आखिरकार हम निकल रहे हैं स्वीट रास्कला से, अब आपको मैं मिलता हूँ मोटो व्लॉग पर। अगर कुछ रहेगा तो रात को मैं कुछ शूट करूँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको, नहीं तो ये वीडियो इधर ही एंड कर दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही कोई अच्छे से वीडियो में। थैंक यू।